भाजपा संसदीय क्षेत्र प्रभारी दीपक शर्मा ने सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा को हद में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। साथ ही शर्मा ने जिला के कांग्रेस नेताओं की भ्रामक बयानबाजी पर लोगों को गुमराह करने पर भी एतराज जताया। शर्मा ने राजेंद्र राणा की बयानबाजी पर निंदा व्यक्त की और कहा कि राजेंद्र राणा और उनके पुत्र बयानबाजी करके पार्टी के आला नेताओं पर टिप्पणियां करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधायक राजेंद्र राणा बिल्कुल झूठ बयान दे रहे हैं कि सरास के बाद सुजानपुर क्षेत्र को स्विट्जरलैंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राणा भूल रहे हैं कि अब सरकार बीजेपी की है और राणा सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि चुनावों के समय बीजेपी के कौन कौन नेता कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर थे। शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राणा ने युवाओं को नशा और शराब देकर चुनावों में अपनी ओर किया है और सुजानपुर की स्थिति इतनी खराब है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में युवा पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं। इसीलिए सरकार से मांग की है कि वहां पर नशा निवारण केंद्र खोला जाए। पूर्णतः भ्रामक, झूठ और जनता को गुमराह करने वाला है कि उनको मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुजानपुर जो है वो सराज के बाद सुजानपुर जो है वो दूसरा स्विट्जरलैंड होगा। हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है हर क्षेत्र को स्विट्जरलैंड बनाने के लिए, लेकिन वो राजेंद्र राणा के कहने पे नहीं बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है उस चीज को करेगा। ऐसे गुमराह करके अगर वो कहते हैं, ये भी झूठ उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में कि वो दिन को उनके पास भाजपा के पास होते थे और रात को उनके पास होते थे, अगर इसमें सच्चाई है तो वो उनके नाम जग जाहिर करें और राजेंद्र राणा बताएं कि वो कौन लोग थे जिन लोगों को, जो दोनों तरफ थे, जो भाजपा में भी थे और कांग्रेस में भी थे।